हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 चैप्टर 1 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, 4 से आगे का सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप इस वीडियो में नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल एलसीपी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपको इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, नज़दीकी रिलेटिव लोगों में, जान पहचान के लोगों में जो क्लास 9 में स्टडी कर रहे बच्चे हैं उनमें इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिलता रहे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 है। 3 तक हम लोगों ने इसके पिछले वाले वीडियो में कंप्लीट कर चुका है। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद हम फिर इसको समझते हैं, ठीक है। तो क्लास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसको क्या कह रहा है, पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट करें। यदि पहले वाले वीडियो को देखे हैं तो क्वेश्चन 3 में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट करना सीखे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग फिर से इसको करते हैं। तो पी बाई क्यू के फॉर्म में प्रेजेंट करने के लिए हम लोग के पास प्रोसेस क्या था, लेट कर लेते थे, जो गिवन है डेसिमल में उसको हम लोग एक्स इज इक्वल टू 0.999 गिवन है ना, डॉट 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 लिख करके इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। देख रहे हैं कि 1 ही डिजिट रिपीट हो रहा है। अगर 1 डिजिट रिपीट होता है तो क्या करते हैं, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऑन मल्टीप्लाइंग बाय 10 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलने वाला है, 10 × x = 10 × 0.999 ये अनलिमिटेड है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 10x, और ये जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो डेसिमल आगे की ओर बढ़ते जाता है, और जीरो वाला नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल पीछे की ओर खिसकता जाता है। तो ये हो जाएगा 9.999999... इसको इक्वेशन नंबर हम लोग 2 कर लिए। अब क्या कर रहे थे प्रोसेस, जी हाँ, जो लोग देख रहे हैं या पिछले वाले वीडियो को देख रहे हैं वो लोग इसको खुद कर रहे होंगे। तो क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम टू फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट को हम लोग सेकेंड में सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सेकेंड वाला है 10x − x = −0.99999... अब क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करके 9x = 9, और क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको राइट हैंड साइड में ला करके 9 को, है ना। तो डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आ गया, 1। और इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर x किसको सपोज किए थे हम लोग, 0.99999, इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया इसका वैल्यू। और यही हमारा हो गया पी बाई क्यू के फॉर्म में, यानी 1/1, 1 तो डिनोमिनेटर में छिपा हुआ रहता है। अब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, कह रहा है आर यू सरप्राइज्ड बाय योर आंसर। आंसर से सरप्राइज हो रहे हैं आप, 0.999 का वैल्यू सिर्फ 1 कैसे आ गया, सरप्राइज हो रहा है ना, है ना। तो ये सरप्राइज हो रहे हैं हम लोग, ठीक है। आर यू सरप्राइज, यस, विथ योर टीचर, अपने टीचर के साथ या अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करें कि वाई द आंसर मेक सेंस, ये ऐसा इसलिए क्यों आया, ये ऐसा, तो ऐसा इसलिए आया है कि 0.99999 मतलब क्या हुआ, वो 1 के ज्यादा नजदीक पहुंच गया है। तो उसको हम लोग राउंड फिगर में 1 सपोज कर लेते हैं, 1 सपोज कर लेते हैं, जिसके कारण से ये आंसर 1 आया है। 0.999 मतलब 0.0 मतलब बहुत कम चांसेस है कि वो 1 के नजदीक ना जाए, बिल्कुल 1 के करीब चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसका वैल्यू 1 आया है। तो इसका आंसर में लिख देंगे कि यस, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन वी आर वेरी क्लोज टू द नंबर 1, दैट्स व्हाई द आंसर ऑफ 0.99999 बिकम्स 1। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, कह रहा है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द
रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। कह रहा है 1/17 को अगर डेसिमल में हम लोग लाएंगे तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन में व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितना होगा ये बताना है। और इसके लिए कह रहा है कि डिवीजन कीजिए, परफॉर्म डिवीजन टू चेक योर आंसर 1/17 का। तो चलो पहले डिवीजन प्रोसेस करते हैं हम लोग, है ना, डिवीजन प्रोसेस करते हैं। यानी कि 17 से हमें क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है, 17 को 1 से डिवाइड करना है, 17 से 1 को डिवाइड करना है। ओके, तो डिवाइड करने के लिए 0 दे के 0 देंगे हम लोग, 0 डेसिमल के बदले 0, अब एक और 0 देंगे तब एक और 0 आएगा, ठीक है। कितना टाइम्स में जाएगा, 17 5 जा 85। सब्ट्रैक्ट करिए, 10 में से 5 जाएगा तो 5, 9 में से 8 1, डेसिमल के बदले फिर से 0 आ जाएगा। एंड कितना टाइम्स में जाएगा, 17 का टेबल से 17 9 जा 17 8 जा 17 जा, कितना होता है 17 9 जा 17 8 जा, 8 टाइम्स में जाएगा। 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, 8 1 जा 8 और 5 13, 8 और 5 13, 136 होगा। सब ट्रैक करो इसको, कैरी लोगे 10 में से 6 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1, डेसिमल के बदले 0, फिर से 8 टाइम्स में जाएगा 136। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, फिर से 4 आया, ये कुछ भी नहीं, ये भी कुछ नहीं, डेसिमल के बदले 0, 17 3 जा 17 2 जा 34। सब्ट्रैक्ट करो, 6 आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, डेसिमल के बदले 0, 17 3 जा 51। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 9, यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है, 9 आया। 9 को हम लोग फिर से यहाँ लिख लेते हैं, ठीक ना, 9 को यहाँ पे लिख दिए, डेसिमल के बदले 0, 17 5 जा 85। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आने वाला है, 5, 9 में से 8 में से 8 0। ओके, अब फिर डेसिमल के बदले में फिर से 0, ठीक है, 50 आ गया। कितना टाइम्स में जाएगा, 17 2 जा 34 होगा। सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 4 गया तो 6, 4 में से 3 गया तो 1, डेसिमल के बदले फिर से 0। कितना टाइम्स में जाएगा, हम लोग यहाँ पर 8 टाइम्स में 136 आया था ना, तो 9 टाइम्स में देख के देखते हैं, 9 टाइम्स में 9 7 जा 63 6 9 1 जा 9 और 6 15। सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा 7, यहाँ तो 0 0, कुछ भी नहीं, डेसिमल के बदले फिर से 0 आएगा, 70 हो गया। अब कितना टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में, 17 4 जा 68 होता है। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 6 में 6 नथिंग, डेसिमल के बदले फिर से 0 आ जाएगा। अब कितना बार में जाएगा, 1 टाइम्स में देना पड़ेगा, 17 1 जा 17। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आने वाला है, 3 आएगा, यहाँ तो 0 हो गया। अब 3 को हम लोग फिर से यहाँ नोट कर लेते हैं, 3 डेसिमल के बदले फिर से 0 आ जाएगा तो 30 हो गया। कितना बार में जाएगा, फिर से 17 1 जा 17। सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 10 में से 7 3, 2 में से 1 1, डेसिमल के बदले फिर से 0, 130 आ गया। अब कितना टाइम्स में जाना चाहिए, 17 136, 8 बार में था, 7 टाइम्स में जाएगा, 7 7 जा 49 कैरी 1, 7 1 जा 7 प्लस 4 11। सब्ट्रैक करो, 10 में से 9 गया तो 1, 2 में से 1 1, ओके, डेसिमल के बदले फिर से 0 आ जाएगा, 110, ठीक है 110 हो गया। अब कितना टाइम्स में जाएगा, 119 आया 7 टाइम्स में ना, तो आई थिंक 6 टाइम है, 102। सब्ट्रैक्ट करो, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, डेसिमल के बदले 0। अब कितना बार में जाएगा, 4 टाइम्स में जाएगा, 68। सब्ट्रैक्ट करो, कितना आने वाला है, 2, 7 में 6 गया तो 1, 120 आ गया, ठीक है, 120 आया।
अब ये 120 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं, 12 आया, 12 आया, डेसिमल के बदले फिर से 0 आ जाएगा, 17 जा जाएगा, 119 आया था, 119 सब्ट्रैक करोगे तो 1 आएगा इधर 0। सिंस देखो अब रिपीट होना शुरू हो गया, 1 से स्टार्ट किए थे हम लोग और फिर से 1 आ गया है, यानी कि फिर से 0 लिख करके 5823529411 इतना टाइम से फिर आएगा, रिपीट होने लग गया। तो क्या आ रहा है यहाँ पे, रिमाइंडर मस्ट नॉट इक्वल टू 0 एंड क्वेसेंट एंड क्वेसेंट क्वेसेंट क्या कर रहा है, क्वेसेंट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपीटिंग। ओके तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन क्या रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, दैट मीन्स देयरफॉर इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, इट्स ये तो डेसिमल एक्सपेंशन ही होगी इसका, है ना। तो पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितना होगा, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 देयरफॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल्स टू कितना आया था, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यहाँ पे लिख देंगे 16 और इसी यही हो जाएगा क्या आंसर। तो इस तरीके से हम लोग डिवीजन प्रोसेस करके डेसिमल में भी कन्वर्ट कर दिए और उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट जो पूछा था उसको हम लोगों ने बता दिया। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर, बहुत सारा रैशनल नंबर का एग्जांपल लेने के लिए कह रहा है, इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, पी बाय क्यू के फॉर्म में तो होता है रैशनल नंबर, और पी और क्यू क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, और वैसा रैशनल नंबर लेने बोल रहा है कि विथ नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, उन दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, सिर्फ कॉमन फैक्टर होगा तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, 1 कॉमन फैक्टर होगा, और तो और उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, मतलब कि वो डिवाइड करेंगे जब उसको आपस में तो वो पूरा पूरी एग्जैक्टली कुछ डेसिमल के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो डेसिमल एक्सपेंशन भी क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग होना चाहिए। तो उसके बारे में कह रहा है कि कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई, क्यू मतलब उसका डिनोमिनेटर का कैसा प्रॉपर्टी होगा ये बताना है। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, लेट अस टेक एग्जाम्पल, सपोज करो 7/8 रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है ना, और दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही होगा, 7 और 8 का कॉमन फैक्टर निकालोगे तो सिर्फ 1 आएगा। तो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, और डेसिमल एक्सपेंशन इसका क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, कैसे अभी चेक कर लेते हैं। 7/8 लिए तो 8 से हम लोग क्या करते हैं, 7 को डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स में जाएगा, 0 देके डेसिमल 0, 8 7 56, 8 8 64 ना, 8 8 64 सबट्रैक करेंगे तो क्या आएगा, 10 में से 4 या 6, 6 में से 6 नथिंग, डेसिमल के बदले 0, अब कितना बार में 8 7 56 सबट्रैक करोगे तो 4 आया, डेसिमल के बदले में फिर से 0, 8 5 40। देखो ऐसा हम लोगों ने रैशनल नंबर चुना 7/8 जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग है या नहीं बोलो, यस टर्मिनेटिंग है, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, और ये रैशनल नंबर दोनों का जो है पी और क्यू इंटीजर है और नो कॉमन फैक्टर है अदर देन 1, दोनों का अगर कॉमन फैक्टर निकालोगे तो सिर्फ 1 आएगा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि क्यू का कौन सा क्वालिटी होना चाहिए, कौन सा क्वालिटी, तो क्यू में क्या है, सिंस क्यू इज इक्वल्स टू 8 और 8 को जब फैक्टराइज करोगे तो 2 × 2 × 2 आ रहा है, मतलब 2 रेस टू द पावर 3 आ रहा है। ओके अब और एग्जांपल लेते हैं हम लोग एक, ठीक है, और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 9/10, ठीक है, कि 9/10 एक रैशनल नंबर है, अब क्या करेंगे हम लोग, 10 से डिवाइड करो इसको, वैसे भी इसको डेसिमल में चेंज करना ईजी है, 0.9 टर्मिनेटिंग है या नहीं, और दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया, ठीक है। तो Q का कौन सा प्रॉपर्टी होगा, Q इक्वल टू 10, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 और 5 लिख सकते हैं। और कोई एग्जांपल लेते हैं हम लोग, ठीक है, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करो
99/100 ले लेते हैं, 99/100 ले लेते हैं। ये भी है एक रैशनल नंबर जो पी बाय क्यू के फॉर्म में है, पी क्यू इंटीजर्स है और दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा। दोनों का अगर हम कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ 1 ही आएगा। तो इसको इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, 0.99। ये भी क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आ गया। ठीक है, देयरफॉर इसका डिनोमिनेटर जो है q क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो बोलो, देखो 100 का फैक्टराइज इधर कर देते हैं हम लोग, 2 से डिवाइड करोगे तो 50 आएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 25 आएगा, फिर 5 से डिवाइड होगा, ये मतलब क्या आ रहा है, 100 का फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 5 × 5, दैट मीन्स 2^2 × 5^2। तो देखो ये अलग अलग हम लोग एग्जाम्पल लिए, ठीक है, किस तरह का एग्जाम्पल लिए, रैशनल नंबर का जो p और q इंटीजर्स है और p और q का कॉमन फैक्टर 1 के अलावे और कुछ भी नहीं है और सब का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो टर्मिनेटिंग वाला के लिए पूछ रहा था कि व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, देयरफॉर q मस्ट बी 2^m and 5^n, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, मीन्स पॉजिटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये हो गया हमारा आंसर, ये हो गया हमारा क्या आंसर, कि जो q होगा वो किस फॉर्म में होगा, 2 × 5, या तो 2 हो सकता है या फिर 5 हो सकता है या दोनों हो सकता है। जैसा कि इसमें हम लोग देखे थे दोनों आया था, इसमें देखे थे हम लोग केवल 2 आया था, इसमें देखे कि 2 और 5 दोनों आया है। ठीक है, तो कभी कभी क्या आएगा, सिर्फ 5 आएगा। तो ये इसका नॉन नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर का मतलब वो कि नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है और पॉजिटिव वाला होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन देखा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अगला क्वेश्चन है कि राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। ठीक है, ऐसा 3 रैशनल नंबर बताना है, ओनली नंबर बताना है, नॉट रैशनल नंबर, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होगा। तो एग्जांपल हम लोग लेते हैं, सबसे पहले एग्जांपल तो हमारा पाई का हो जाएगा। क्यों होगा पाई, क्योंकि एक ऐसा नंबर है 22/7, इसका डेसिमल एक्सपेंशन 3.1415 6535 होता है, कभी रिपीट भी नहीं हो रहा है, अलग अलग नंबर आते जा रहा है। फिर एक इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारा, नंबर √2, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है 1.141... ठीक है, कभी भी रिपीट नहीं हो रहा है। एंड एक हो जाएगा √3, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन होता है 1.732... तो इस तरह के हम लोग 3 एग्जाम्पल इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। ये बहुत ही ईजी था, बहुत सारे ऐसे नंबर मिल जाएंगे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग। तो अपने मन से भी आप लोग इस तरह का बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। ये वाला एग्जांपल हो जाएगा 1.10, 1.10, 1.11, 1.11, 1.01, 0001, 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
नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। तो आइए इस तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 9/11। तीन दोनों के बीच में तीन अलग अलग इरेशनल नंबर लिखने के लिए कह रहा है, इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में। सबसे पहले इसको हम लोग डेसिमल में चेंज करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले इसको डेसिमल में चेंज करो। तो फिर पहले 7 से 5 को डिवाइड करिए, क्या आने वाला है, 0 देखे डेसिमल, 0 7 7 जब 49, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, 0 7 1 जब 7, सब्ट्रैक्ट करोगे 3, डेसिमल के बदले 30, 7 4 जब 28, सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2, डेसिमल के बदले 0, 7 2 जब 14, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 6, ठीक है, डेसिमल के बदले फिर 0, 7 8 जब 56,
सबट्रैक्ट करोगे तो जी, सबट्रैक्ट करोगे तो 4 डेसिमल के बदले 0, 75 जो 35, सबट्रैक्ट करोगे तो 5। ठीक है, देखो 5 से स्टार्ट किए थे, फिर से 5 आने लगा, मतलब ये रिपीट होने लग जाएगा। अब यहाँ के बाद से ये रिपीट होने लग जाएगा, डॉट 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 कर देते हैं, डॉट डॉट नहीं होगा, रिपीट होगा, यहाँ पे हम लोग रिकरिंग का साइन दे देंगे। ठीक है, अब इसका करते हैं, 11 से डिवाइड करते हैं 9 को, तो 0 डेसिमल या गया 0। ठीक है, 11 8 जा 88, सबट्रैक्ट करोगे तो 2 आएगा डेसिमल के बदले 0, 11 1 जा 11, सबट्रैक्ट करोगे तो 9 आ गया, सबट्रैक्ट किए तो 9 आ गया, 9 से स्टार्ट किए तो फिर से 9 आ गया, मतलब 81 ये रिपीट होने लग जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या करना है, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर को लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला देयरफॉर 3 डिफरेंट, बहुत सारा हो सकता है इसमें, हम जो लिखने जा रहे हैं वो ही नहीं और भी लिख सकते हैं आप अपने मन से, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर, 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन 0 डेसिमल 714 285 एंड 0 डेसिमल 81 आर। ठीक है, बहुत सारा लिख सकते हो, तो क्या लिख सकते हो, 0 डेसिमल 7, ठीक है, 1 0, फिर 7 लिख सकते हो, 0 डेसिमल 7 0 7 double 0 7 triple 0 7 quarter 0, इस तरह से डॉट 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 आते जाएगा। और क्या लिख सकते हैं, 0 decimal 7 1 0 7 1 double 0 7 1 triple 0 7 1 quarter 0 dot dot dot, एंड एक और क्या लिख सकते हैं, 0 decimal 8 0 8 0 8 double 0 8 triple 0 8 quarter 0, उसके बाद फिर 8 dot dot dot। तो इस तरीके से हम लोग इरेशनल नंबर को, जो कि इन्हीं दोनों के बीच का नंबर है, उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल था, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस एक्सरसाइज का। आइए, अब हम लोग इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 1.3 का अंतिम क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल, क्लासीफाई करना है इसको, बताना है कि कौन रेशनल है और कौन इरेशनल है। तो सबसे पहला वाला का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, सॉल्यूशन नंबर 1 अंडर रूट 23। देखो परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हम 23 का, देयरफॉर सिंस it is not a perfect square number, therefore it is irrational. क्या हो गया, ये इरेशनल हो गया। नंबर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 225, हम लोग सभी जानते हैं ये 15 का स्क्वायर रूट है, इसको पी बाय क्यू के रूप में लिख दिए, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, ये क्या है, रैशनल नंबर है। नंबर 3 की अगर हम बात करें तो नंबर 3 क्या है, 0 decimal 3796, क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है इसका, देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। चलो नंबर 4 की अगर बात करें तो क्या है, नंबर 4 में 7.478478 डॉट डॉट डॉट, क्या हो रहा है, ये अलग बार अलग अलग आ रहा है नंबर ना, तो क्या लिखेंगे इसको, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, देयरफॉर इट इज इरेशनल, इट इज
इरेशनल, इट इज इरेशनल नंबर हो गया। एंड लास्ट वन फाइव नंबर क्या है, 1.101, 001, 0001, 0.0, ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग, देयरफॉर इट इज इरेशनल। तो इस तरीके से हम लोगों ने बहुत ही इजी वे में एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन को देखा। अगर आपको सचमुच में ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन जरूर दबा दें और अपने नज़दीकी लोगों में शेयर कर दें। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिए और नए नए चीज़ों को सीखते रहिए। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।